फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑफ न्यू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेवल के बारे में, सेटरिंग का लेवल कैसे चेक करते हैं। सेटरिंग का लेवल चेक करना है आपको फिर स्लैब का, जैसे कि आप स्लैब देख रहे हैं पा रहे हैं, स्लैब की सेटरिंग लग जाएगी। इसके बाद आपको बीम भी लग जाए, बीम भी सेटरिंग लगते जा रही है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेवल चेक करना है, लेवल इसको सही करना है। लेवल चेक नहीं करना आपको, सही करना है, लेवल सही करना है, प्लस कुछ चेक करना है। उसके बाद आपको सरिया बीम प्रोवाइड करना है, तब तक आपकी सेटरिंग लेवल में नहीं होगी, उसके बाद आपको सरिया प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो कैसे चेक करना है, उसके लिए दो पर्पज़ होते हैं, दो मेथड होते हैं। जैसे कि आप नीचे लगाते हैं लेवल, जैसे कि कॉलम है, कॉलम का अगर नीचे लगा लेते हो फ्लोर लेवल से, अगर आप 500 ये देख लेते हो कि फ्लोर फिनिश लेवल क्या रहेगा, जैसे कि मार्जिन रहते हैं 2 इंच 3 इंच, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर का जो टॉप होता है कितना कितना रहता है, जैसे 3 मीटर हो गया, तो 3 मीटर में ग्राउंड फ्लोर पर लगाएंगे वो मार्जिन आपका फ्लोरिंग के अंदर आ जाता है। तो जैसे फ्लोरिंग से आपने 500 mm लगाया, फिर आप 2 फीट लगा सकते हैं कॉलम के ऊपर। कॉलम को मार्किंग करने के बाद एक मार्क किया, तो वो मार्क आप वाटर लेवल से ट्रांसफ़र कर लेंगे सभी कॉलम पे। कहाँ पे लेवल ट्रांसफ़र करना है, किस पोजीशन में करना है बताता हूँ आपको। जैसे कि कॉलम रहेगा, कॉलम पे आपको वाटर लेवल से नीचे मार्क ट्रांसफ़र करना है वाटर। जैसे आपने एक कॉलम पे नीचे मार्क लगा दिया, स्लैब से उठा के 500 mm पे उठा के लगाया अपने लेवल, या फिर 2 फीट पे उठा के एक लेवल लगा दिया, वही आपको सभी कॉलम पर ट्रांसफ़र करना है। ये वाला फेस में करना है, क्योंकि ये वाला जो बॉटम रहेगा कॉलम का, बीम का फेस ही है, कॉलम के सामने ये वाला फेस है, तो इसी लेवल पर लगाएंगे नीचे। ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, तो कॉलम पे ये वाला बीम जा रहा है, तो इसके नीचे सामने लेवल ट्रांसफ़र लेवल लगाएंगे उसके नीचे। उससे आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे बॉटम 3 मीटर का है, तो 3 मीटर में 2550 है, सपोज कीजिए 500 mm की जो डेप्थ हो गई, 2500 आपको बॉटम लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से लेवल ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 2500 प्लस 500 mm का नीचे कर जाएगा, तो 2 मीटर पे आप लोग चेक कर लेंगे लेवल। या फिर दूसरा मेथड ये है कि बॉटम लगने के बाद, ये वाला बॉटम लगने के बाद, इससे डेढ़ फीट पे क्या रहेगा आपका टॉप, 1 फीट का आपका बॉटम हो गया, प्लस 6 इंची का स्लैब हो गया, प्लस 2 फीट का आपका टॉप हो, यहाँ पे टॉप लेवल कहाँ पे लगाना है मार्किंग, इस वाले बॉटम के सामने, ये वाला बॉटम है, इसका लेवल आपको चेक करना है। तो कहाँ पे लेवल आपको लगाना है मार्किंग, इस पर करना है, व्हाइट पेंट होता है उससे एक जगह लगा लेंगे। इससे फिर आपको वाटर लेवल से ट्रांसफ़र करना है सभी कॉलम पर, किस फेस में, कॉलम के फेस में, जहाँ पे बीम रहेगा, जैसे बीम रहती है तो बीम के सामने इस वाले सरे पर लगाएंगे, फिर वाला बीम है तो यहाँ पर लगा देंगे। फिर धागे से बांधने के बाद जो भी कैंडल ले लीजिए, एक पाइप ले लीजिए, पाइप या फिर कोई सरिया, उस पर मार्क कर लीजिए, अलग अलग टेप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्क लेवल चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ से धागा बांधा, वहाँ पे धागा बांधा उस कॉलम पे, तो आपको ये बॉटम लेवल करना है। तो यहाँ से आपने कितना लिया था, 2 फीट ऊपर प्लस 1.5 फीट नीचे, तो 3.5 फीट पर आपको ये चेक कर लेंगे बॉटम, ठीक है। अगर ये ऊपर नीचे है तो उसको लेवल कर लेंगे इस तरह से। फिर आपको स्लैब लेवल करना है, जैसे इस कॉलम पर आपने धागा बांधा, उस कॉलम पर धागा बांध देंगे, तो इस तरह से चेक करेंगे। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो बॉटम कैसे चेक करेंगे, 2 फीट हमने स्लैब के टॉप से ऊपर लिया था, 2 फीट प्लस 6 इंच ये जोड़ देंगे, तो 2.5 फीट, तो 2.5 फीट पे हमें ये सेटरिंग का लेवल चेक करना है, उस बार सेटरिंग का लेवल चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से 2.5 फीट पे चेक करते जाएंगे। तो बस कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमने शेयर किए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।